सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झी झी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झी झी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है पहले आए 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 पहले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी पहले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी सब घाट पूरन पूर रहा है My friendship with Kumar remained for 56 years. Very, very, very intense. I'm going to show you a place where we actually learned music. Kumar was a conference artist at the age 11. At the age 11, Kumar was a conference artist. And it dominated the conference. कलकत्ते की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर कुमार गंधर्व को गाने के लिए बुलाया. उस समय एक पिक्चर बनी हुई थी देवदास. उस पिक्चर की इस गाने को कुमार गंधर्व ने लोगों के सामने गाया. पिया भी ना ही हालत चैन और पूरा बंगाल जो था पागल हो गया. कोई शॉल दे रहा है, कोई जीप में क्या मिला, कुछ रुमाल मिला, रुमाल दे दिया, किसी ने 100 रुपए की नोट दे दी. कुमार को एक्चुअली हमने यूं करते देखा, यूं छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम कि शॉल क्या, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई मफलर दे रहा है, कुछ. कुमार यूं बटोर रहा है, यूं बटोर रहा है, और कुमार ने बटोर बटोर को ऐसे जेब में डाला उसको सबको. ये सब हमने देखा. वो एक सीन था. Hello, Mark.
This is the main hall where concerts year after year were held. And then he developed a highly competitive nature. I am not just a child prodigy. I am not just an accident. I am Devdas' disciple. Devdar is the best guru. And I have my own music. So I'll sing superior to all. And he went from conference to conference, striding the entire classical conference milieu like a colossus. सा तक नहीं लगाना है न, जिसका पूरा एक्सप्रेशन उस सा में बंधा हुआ है उसको कह दिया कि सा तक नहीं लगाना। दिस इज वेयर कुमार स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कि क्या हुआ, माया ठगिनी हम जानी, कबीर कहते हैं। मैंने आज तक जो किया था, कल परसों तक आई वॉज द प्रिंस ऑफ इंडियन म्यूजिक और आज मैं घर में बैठा हूँ, बैठा तक नहीं हूँ, लेटा हूँ बिस्तर पे और मुझे गाने की इजाज़त नहीं है। आई यूज़ टू टेल पीपल ये राग ऐसा है, कॉम्पोजिशन ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसी है, इसमें ये भाव है, इसकी ये लय है, इसमें सुर ऐसे ही लगाना है, इसमें ये अलंकरण है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। लेकिन वो भी अब सब माया में चला गया ना। सो द फ्यूटिलिटी ऑफ प्राइड, फ्यूटिलिटी ऑफ फेम, फ्यूटिलिटी ऑफ नॉलेज एंड फ्यूटिलिटी ऑफ द फीलिंग दैट आई एम डूइंग समथिंग came to him. और फिर 4-5 years he just thinking music without singing music. माया 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 महा ठगनी हम जाने ठगनी हम जान ठगनी हम जान माया 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 ठगनी हम जाने ठगनी हम जाने। इफ आई मे कोट कबीर, उड़ जाएगा हंस अकेला, वाह जग दर्शन का मेला, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए मार्केट, सुपर मार्केट,
लेकिन इट इज ऑल इल्यूजरी. जैसे पात गिरे तरोवर से लेकिन लीव फॉल्स फ्रॉम ए ट्री. मिलना बहुत दुहेला. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनकाउंटर दैट लीफ वन मोर टाइम. व्हाई? कोई क्या जाने कहाँ गिरेगा. लग्या पवन का रेला. दिस ब्लास्ट ऑफ डेस्टिनी डिस्प्लेसेस पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और यहाँ इसको यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक देते. मुझे कर्नाटक से उठाकर अलाहाबाद लाया. अलाहाबाद से उठाकर बम्बई लाया. मैं एक अनपढ़ बच्चा था. मुझे ग्रेट म्यूजिशियन बनाया और मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया कि अभी मुझे गाना नहीं. कोई नहीं अपना अब के मोसर लारा ले चलो ओ कोरे बाप जी गगन मंडल झूलो बांधियो ओ गरे. अब ये झूले महाराज श्री भगवान रामा सहेली सहेलिया झूला दे रही अगरे. मारी माला रामणी याद रामा छोड़ी मत जा जो वन में एकली अगरे. मारी काया करी गार रामा अब के मुसर लारा ले चलो. बाप जी बनते मछिंदर गोरख
बोलिया ओ गोरे अब ये पाया गे बेकुंठे बास रामा अब के मोसरे लारा ले चलो ओ गोरे। ये जाता है नी जब पांच तत्व होती है के माला रमणिया छोड़ी मत जाओ बन में एक काया रे करता अब के मोसरे लारा ले चलो तो कहीं क्यों ना कहीं के भगवान ने जब ये बोले है नहीं इसने किया ये डूंगा बेल है इसने किया के देख जिसने जोड़ी उसने तोड़ी मैं क्या जानू मैं तो ये जाता हूँ इस मकान में निवास किया मैंने इसको ही छोड़ जाता इस मकान की भी छोड़ जाए ना ये ले अब ये निकली जाए ना या तू अब ये मकान डल दिया है अब यो या कूटे दिया इसके लिए घन मथन करते हैं है ये नहीं होते इसके क्या रोए काय के माथा फोड़ कर आई ये काय लो माथा फोड़ करी सब पेट के लिए दौड़ते है हम तो सही से कहती हूँ अच्छा झूठ बच्चा नहीं सौ टका जद क्यों भाई अब ये तो करनी आना सा देखो भाई ऐसी करनी करो बस पारो तो ये करने करे तो क्यों डरे ने करके क्यों बसता अरे बोया पेड़ बहुल करो तो आम कहाँ से खुल गया बाजारे की मार अड़जियो पर मगर खुल गया बाजारे की मार ले ताला खुल गया ये बींजन सायरी का भाई बोलिया बोलिया दूरू ने पेड़ा दर्जियो पर मगर बोलिया बोलिया दूरू ने पेड़ा दे जुग जुग सरना का मैं दास ने खुल गया बाजारे की मार अड़जियो पर मगर खुल गया बाजारे की मार ताला
जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। ये कुमार जी की खुद की हैंड, खुद की हैंडराइटिंग है और ओरिजिनल है। ये बिल्कुल वो जो फोक में उन्होंने सुना, फोक में उन्होंने सुना। जैसे मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुमार जी ने जिस ढंग से कबीर जी को लोगों के सामने रखा है, उसे कबीर जी का मतलब ज़्यादा स्टेटस उनका बढ़ गया है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि ये भिखारी का गाना क्यों गा रहे हैं, ऐसे भी लोग थे, जैसे मान्यवर मराठी साहित्यिक ऐसे बोलते थे। और फिर भी कुमार जी ने वो गाना छोड़ा नहीं। क्या कबीर जी है वो कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से खुद पहचाना और हमें भी उद्युक्त किया कि भाई ये सुनो, कबीर क्या कहता है ये सुनो। This entire content was new to the world of Indian classical music. It was not just rejection of ritual and other things, but the sheer hollowness and the awesome futility of life. ये तो नहीं थे हमारे यहाँ जो भजन गाए जाते थे उसमें, ये नहीं था। चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, निर्मल होत शरीर, ये तो ये अच्छा है, दिस इज डिलाइटफुल भक्ति, लेकिन दिस डिमांड्स ए हायर काइंड ऑफ सरेंडर विच यू कैन डू ओनली इन योर ओन कंपनी, इन द माइनॉरिटी ऑफ वन एंड विथ नोबडी टू कंसल्ट, नोबडी टू असिस्ट। अड़सठ तीरथ घटके भीतर यो ही मैं मल मल नाऊंगी, गंगा न जाऊ जी जमुना न जाऊ जी, ना कोई तीरथ नाहू जी। वह अड़सठ तीरथ घटके भीतर। कबीर इज नॉट ओनली इंटरोगेटिंग religions and rituals and religious leaders and Paneji and Mullah and all that. He's more importantly and more primarily interrogating himself. Kabira khada bazaar mein ye dukati haath jo ghar phuke apna chale hamare saath, to wo bazaar mein beech bazaar mein bula raha hai. Ye koi कि जंगल में आके हमसे मिलो और हम तुमको कोई भभूत दे देंगे, इसे आजकल के बाबा लोग देते रहते हैं, वो इस तरह का कोई मुक्ति देने की बात नहीं है। वो तो ये है कि जब तुम स्वयं अपने लगावों से, जब अपनी आसक्ति से मुक्त होकर उसको भस्म करके अपने घर को जला के जब आओगे, और मैं तो बाजार में बुला रहा हूँ, तब तुम मेरे साथ चल सकते हो। कबीर की अविचल आस्था है, लेकिन आस्था प्रश्नवाचकता को समाप्त नहीं करती, जबकि ज्यादातर आस्थाएं कि अब आप सवाल नहीं पूछ सकते, आस्था है तो फिर सवाल क्या पूछना। ये ना तो कबीर के यहाँ है और ना कुमार गंधर्व के यहाँ। संगीत में रहकर संगीत के बारे में सवाल उठाना, ये कुमार गंधर्व की अद्भुत विशेषता थी। कि कई बात जो वर्जित स्वर का इस्तेमाल कर लिया, कई इसका कुछ कर दिया, कई राग नए बना दिए, कई कहा कि इसको यूँ कर दें तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सब प्रश्न पूछने के तरीके हैं। और एक मतलब कुमार जी कबीर की तरह ही आस्थावान थे, बाकायदा धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। लेकिन किस्सा है कि वो एक बार हरिद्वार गए तो साधु लोग पीछे, चलिए चलिए भगवान का दर्शन करा दें,
तो कुमार जी ने झुंझला के कहा, ऐसा बताते हैं, कि भगवान, मैं खुद भगवान, मुझे किस भगवान के दर्शन करने हैं। नाउ एट वन लेवल इट इज़ अ वेरी शैल वी से वेरी एरोगेंट रिमार्क, फॉर एट अनदर लेवल इट पॉइंट्स टू ए सर्टेन आइडेंटिफिकेशन दैट थ्रू म्यूजिक यू आर वन विथ क्रिएशन। आप ब्रह्म हैं क्योंकि आप रचते हैं, मतलब देन आई एम नॉट ए सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम गॉड। तो ये जो असल जनतंत्र तो ये है, दिस इज इवन डेमोक्रेटाइजिंग गॉड। इन अदर वर्ड्स, कुमार मेड भक्ति पोइट्री ए म्यूजिकल टेम्पल टू विच यू कुड कम विदाउट हैविंग टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द रिचुअल्स एंड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कनेक्टिंग विथ ए लार्जर रियलिटी विदाउट बिलीविंग इन दिस गॉड और दैट गॉड और इन दिस रिलीजन और दैट रिलीजन। सो इट यू नो इट जनरेटेड ए न्यू स्पिरिचुअलिटी। हमारे राम रहीम करीमा के सो अलह राम सत सोई, हमारे राम रहीम करीमा के सो अलह राम सत सोई, बिस्मिल मेटी बिसम भर वे और न दूजा कोई हमारे नाम रहीम करीमा। वेरी ऑफन क्लासिकल म्यूजिशियंस इन पर्टिकुलर टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। आई थिंक द म्यूजिक इटसेल्फ इज सो वंडरफुल एंड हेडी एंड अब्सॉर्ब्स यू एंड कंप्लीटली ऑब्सेसेस यू सो मच दैट यू डू एक्चुअली टेंड टू कम एंड सिट इन योर लिटिल आइवरी टावर एंड नेवर फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। और एट बेस्ट यू फील ये तो सियासत है, हम क्या कर सकते हैं, यू नो हम तो आर्टिस्ट हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ द म्यूजिक ऑफ प्रोटेस्ट, द पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट नेवर एग्जिस्टेड। I enjoy singing something as direct as this. What does it mean? हमारे लिए राम रहीम करीम और केशव सभी सत्य का एक एक नजरिया है। Perhaps singing Kabir is one way of saying what I want to say about a situation like by the fanaticism, religious fanaticism that one sees today. I think it's a wonderful way of saying it all. And sometimes I feel I want to even sing those pieces of Kabir that you know are really quite very strong, very very forthright and downright rude also, you know, like man na rangaye rangaye jogi kapda, man na rangaye, you know, the rest of the piece is really quite rude. It says ke पत्थर पूज के क्या होगा या दाढ़ी रख के क्या होगा, सो इट रियली दाढ़ी रख के बना जोगी बकरा। सो बट आई थिंक इवन दोस पीसेस एट टाइम्स नीड टू बी सम। मेरे अपनी पर्सनल उसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है कि 10 साल पहले मैंने दीक्षा ली गौड़ीय संप्रदाय में। आई कांट टेल यू द प्लेजर आई गेट फ्रॉम listening to, let's say, the music of the Krishna temples. I'm very drawn to it. I have taken Diksha in that. So do you see this as a paradox or a contradiction? It, in some ways it is, but in a much larger sense it isn't. आप कह सकते हैं कि आप कबीर तो ये कह रहे हैं, he's discarding, he's completely not willing to accept the tyranny of the worship ritual. And how are you going through it? How do you, because I don't feel tyrannized by it. Yeah.
Kabir invites us to do, you know, taste the rasa of the everyday, of the ordinary. You know, whether you're doing your jhadu or whether you're washing your clothes or, you know, climbing onto a bus or something, iska bhi ek rasa hai. The point about rasa is that it is taste. It's not eating. It's taste. It's savoring. And when you taste, it's not, you can't be gluttonous. You can't be greedy. You have to just taste. And you have to taste with complete attention, complete mindfulness. Jure ka I don't see Kabir as saying that the five senses or the enjoyment of the five senses necessarily is evil. If you listen, he's describing the body in great detail. And he's not only describing the body, he's describing it in music. And he's describing it as a musical instrument. Look at the fact that it sings the name of God. Look at the fact that it can be tuned perfectly. You know, and then it sings. But also remember that this body is not everything. This other lovely pad of taruvar ek mool bin thadha, bin phule phal gaja. And then he talks of the two birds on that tree, ek guru ek chela. And this is the Upanishadic verse of the two birds. One eats the fruit and one witnesses. This is the self. You eat the fruit, of course, you taste it, you enjoy everything of that life has to offer, but you also witness. There is also the self, that part of the self which is the witnessing self, which will not then let this become self-indulgent. And he makes a binary. I mean, he makes a duality there. He says, ek guru, ek chela. But when you think of Kabir's entire philosophy, the guru and the chela are not separate. And you know, the verse goes on very beautifully. He says,
चेला रहया सो रस चुन खाया, गुरु निरंतर खेला. So the witnessing self is not some kind of rather stern, judgmental creature with a beard who's waiting to strike you with thunderbolts. I mean, he's nirantar khel raha hai. He's playing non-stop, a never-ending play. Almost every moment he brings these, he dissolves binaries. I was rather cross one day when something I had written, somebody said, oh, but you know, all this postmodern thing. I said, what do you mean postmodern? I mean, this is very pre-medieval. Jag piyare avakaso ran gai. जागतिन मानिक पाया बाउरी सब सोए गवाया जाग प्यारी अब का सोए. Within the first 2 months of my marriage, it broke. And I needed to find the answer that, why me? Like everybody who's going through pain at a point when I thought I was such a loving person and I was bending doubly over to make matters work for me. Why? Kabir brought out my pain, actually. He was giving voice to my angst. I didn't have those words. He had the words. That was it. I chose him for that reason. I needed somebody who, there wasn't a dichotomy in. So they're not you're not masquerading as somebody and having so many facades and, you know, one chehra for one face for one person, one. You're one. That authenticity is there in Kabir, is there in Kumar Gandharv, is there in true great art everywhere, all over the world, across time. That's it. You know, life makes you. When you're born in a state of simplicity, you become from simple to complex. So now, mine is a reversal at this point in my life, I think. From complex to simple, breaking down, cutting out the complexity, becoming more and more authentic. Jag dekh piya sej na tere tahi chhadi uthi gaye savere. कहे कबीर सोई धन जागे शब्द बानौर अंतर लागे जाग प्यारी अब का सोए. Can you imagine? I began singing this song just as a reaction, because I was married and my husband used to actually literally get up before me, get ready and get out of the house. This was at that infantile level of understanding. Okay, and then jag pyari, ultimately jab baat samajh aayi, it is an address to the atma, that jag pyari ab kyun so rahi hai, piya tere chatur, your beloved, he's waiting for you somewhere. He's a clever man. He's waiting for you. Tum murakh nari. Pehle mujhe kabhi bada gussa aata tha. I thought he's a male chauvinist. Jaise jaise apni development hui hai, apni samajh ki, apne matlab andar ki journey zyada fierce ho gayi hai, to samajh aaya ki Kabir ne ye mujhe nahi keh rakha as a woman. But he has addressed his soul in this way and said that the Atma is just the beloved is the supreme one. Ye kya meri interpretation hai, I'm not the last word on this. And nobody is. It's so beautiful, eclectic and fluid that Kabir is everybody and everybody is Kabir. Kabir's, you know. Mm.
बासाब, आप कल भजन गा रहे थे? मेरा नाम? हाँ, नाम क्या है आपका? रायचंद है मेरा नाम। अच्छा, सबकी राय लेता फिर हूँ। कल गा रहे थे आप कबीर भजन, वो सुनाइए। कौन? मारी काया नगर का साथी हूँ, बोलूंगा नहीं दिन राती। यो भवसागर उंडो घणो देखत फाटे मारी छाती, सतगुरु ने मारी बाई पकड़ ली तो फोकटे में बह जाती। मारी काया नगर का साथी हूँ, बोलूंगा नहीं दिन राती। लख चौरासी सब मन भुगती, कीड़ा मकोड़ा गज हाथी। लख चौरासी सब मन भुगती, कीड़ा मकोड़ा गज हाथी। मानस दान अबो लख पाया, अब साचा मिलो संगति। झूठा मत मिल जो, मारी काया नगर का साथी हूँ, बोलूंगा नहीं दिन राती। यह माया सबसे बड़ी डाकन, सटा बड़ा के खाई जाती। पर यो मन मारो गणो हटी लो जैसो मकनो आती। इन माया के कहीं नहीं समझे वो। अब गई जवानी आई ये बूढ़ा पोकाया झुर झुर रोती। साहेब कबीर अरज मारी सुन लो, करूँ आपसे विनती। मारी काया नगर का साथी हूँ, भूलूंगा नहीं दिन राती। ये छाप है, ये आपने लिखा? हाँ, बैठे बैठे लिखा करूँ। ऐसो कवि तो नहीं है हूँ, पर हाँ बैठे बैठे लिखा करूँ। हाँ। अच्छे कर लो। हाँ, फर्स्ट नंबर पास आना चाहिए। एक आधो साइंस लो। हाँ, padas that he sings actually do not belong to the bijak. They are not part of the written text in Kabir. Kumar Gandhar's singing pointed out to another aspect of Kabir, that there is a lot of Kabir, self-created Kabir, folk-invented Kabir, which exist in these traditions, which you have not looked at. So even the so-called literary scholarship of Kabir became a bit, you know, if not overawed, at least a little impatient or unstable, that, well, we have to cope with this phenomenon. Thank you.
वैसे मैंने ट्रेन का कबीर भजन सुना था मांडू में, बूढ़े बाबा कुंड के पास बैठे थे और वे गा रहे थे राम नाम की टिकट कटा लो, कबीर भजन। अब ये भजन 15वीं शताब्दी का तो हो नहीं सकता, तो आपने इस प्रकार के भजन इंक्लूड किए हैं? देखिए, मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा, शामिल करूंगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक जीवंत लोक परंपरा का भाग है, वो कोई ठहरी हुई और अतीत की चीज नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जो कबीर के समय में तो नहीं थी, लेकिन जो गायक गा रहा है वो हमारे समय का आदमी है, उसने कबीर का सत्य लिया है, शब्द नहीं। और इसको इसको समझने की बहुत जरूरी है कि कबीर के सत्य को लेकर जो गायक चल रहा है उसके लिए इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर ट्रेन आ जाती है उसमें कोई फोटो आ जाती है, उसमें हवाई जहाज आ जाता है, उसमें बंदूक आ जाती है, क्या फर्क पड़ता। आग लगी है मेरे भाई गगन बीच, आग लगी घनी भारी गगन बीच में आग लगी। अच्छा। ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए, जली गए कृष्ण मुरारी, गगन बीच आग लगी घनी भारी। कहे कबीर सा नाम नहीं जलता, यही गुरु की निशानी। अब नहीं, इतनी बड़ी नहीं मालूम, मैं इतने बैठा हुआ। अबे क्यों क्यों ये सब जल गया नारायण जी? ये ने संसार की आग या जो लपेट है नी, इनमें सब जल गया, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें सब ये सब जल गया, ये कोई नहीं बचने पाया, इकलिए कही रहा है। कहे कबीर सूरज जल गया, चंदा अपने अंदर का देखने वाला जो प्रकाश है वो हा? वो ये सूरज नहीं, जो अपने अंदर का प्रकाश जो देखने वाला सूर्य है वो जल गया। इसके अंदर चंद्र भी है, सूर्य भी है, तारे भी है, सब चीजें है शरीर के अंदर। सृष्टि की जो सारा श्रृंगार इसके अंदर रखा है वैसे तो ये सारे के सारे जल गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे। और क्या, इस लपेट में सब आ गए, कोई नहीं बचे। आप शरीर का भले ही बचे, और कोई संत तो इतने। कबीर के सच को गाना, कबीर के पद को गाना, ये संगीत के कौशल भर के सामर्थ्य की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े उस्ताद हो सकते हैं, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वे बहुत बड़े गायक हैं, लेकिन कबीर का जीवन उसके पीछे, कबीर पे उनका भरोसा, कबीर के सच की खोज का की जो तड़प है वो उसके पीछे नहीं है। लेकिन एक लोक गायक जो है, दरअसल कबीर को जीता भी है किसी स्तर पर। ये तो कुछ हद तक कपिल जी आपको लगता है आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, जानना एक अनुभव है। एक व्यक्ति जो शब्द में अपने जाने हुए को आपको कभी नहीं बता सकता, आप ये दावे से नहीं कह सकते कि ये उस सत्य को जानता नहीं, अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। कैसे मान लूं कि तीजन बाई जो हस्ताक्षर करना नहीं जानती वो सुसंस्कृत नहीं है, सभ्य नहीं है, वो एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा को अपने भीतर जीती है, ये अलग बात है कि वो हस्ताक्षर करना नहीं जानती। और मैं कितने सारे पढ़े लिखे
लोगों को, बल्कि अधिकांश को ये बता दूं कि वे सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह निरक्षर हैं। उन्हें कुछ नहीं आता। क्या बात है? उन्हें कुछ नहीं आता। कल्चरली इनलिटरेट होना जो है ना, वो तो हमारी समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो उल्टा कर रहे हैं कि जो पहले से ही शब्द की परंपरा का इतना ज्ञान रखे हैं, उन वे अक्षर सीख लें, इसके लिए वे सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट का एक मानक मानते हैं कि वो किसी भी तरह उनके बीच में ले जाओ। और ये जो शहरी निरक्षरता लगातार कल्चर को लेके, आर्ट को लेके, लाइफ को लेके, एक्सपीरियंस को लेके बढ़ रही है, इसके लिए भी कुछ नहीं करते। आत्म ज्ञान बिन हो नर भटकै गुरु, को मथुरा को काशी। सुना सुना वे मोला हासी, सुना सुना वे मोला हासी हासी, पानी मामी न पियासी। जो किसी भी रूप में एक सच्ची आध्यात्मिक साधना में है, उसको कबीर का सत्य समझने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई बाधा नहीं है। वो दरअसल ज्ञान के अनुभव में है, ज्ञान की स्मृति में नहीं है। ज्ञान की स्मृति तो जानकारी है, और कबीर को जानकारी के सहारे नहीं समझा जा सकता। आपको अनुभव के ज्ञान में जाना ही होगा। जो अनुभव के ज्ञान में है, वो सचमुच में कबीर के साथ कोई संबंध बना सकता। कबीर की उससे बहुत बात होगी। आध्यात्मिक अनुभव के लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी मठ में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, किसी गुरु से दीक्षा लें, योग या तंत्र सम्मत कोई साधना करने लगे। इन सारी साधनाओं का लक्ष्य कुल मिला के इतना है, पहली बार आपकी आपसे मुलाकात करवा दी जाए। है हाजिर को दूरी बता दे, दूर की बात निराशी। घटबड़ कब न देखिए प्रेम रहा भरपूर, और जाने से निकट रहो अनजाने से दूर। कुमार जी ने उस भूमि में शास्त्र के बाहर मालवा की भूमि पे कबीर को अपने लिए गाने एक बार फिर से खोजा था। अब कबीर का एक बार फिर अपनी आत्मा में पुनराविष्कार किया था। वो एक अनुभव है दरअसल, उस अनुभव से वो गुजरे, जिसको मैं कहूंगा बहुत कठिन रूप से हमारी ही आत्मा में कबीर छूते हुए निकल जाते हैं, और तब संगीत कुछ और हो जाता है, गाना कुछ और हो जाता है। तब संगीत की बारीकी में नहीं, कबीर के सत्य के साथ ही आप बह निकलते हैं। संगीत तो पीछे पीछे है ना, वो इतनी बड़ी वाणी है, उसमें इतना बड़ा सत्य है ना, और उसमें इतनी आँच है कि जब वो वाणी चलना शुरू होती है ना, संगीत तो पीछे पीछे। अवधूता अवधूता गगन घटा गहरा, गगन गगन अवधूता गगन घटा गहरा नीरे, गगन घटा गहरा नीरे। बादल पश्चिम दिशा से उलटी बादल, रुम झुम बरसे
वैसे कुमार जी ने उनका भी क्लासिकल इतना क्लासिकल नहीं है। कबीर के जो उन्होंने पद गाए हैं उस पद में तो उन्होंने उतना ज्यादा शास्त्री का या मैंने जैसे शास्त्रीय संगीत में खाली एक या दो लाइन को एक एक दो दो घंटे तक लोग गाते रहते हैं। सर उम्र में नरी नरी देर करी उन्होंने तो माया आ माया बहुत बहुत देर तक करे उन्होंने की क्या समझ आई इतनी और की क्या बोला इतनी देर लग सुन लेगी नरी वाला करे उन्होंने माया महा ठगनी हम जानी और नरी देर लग तो करी उन्होंने तेरे कौन जाने और वो जान ही नहीं पाए ना सर उनको भक्ति रंग का हिसाब में नहीं जाने सकता राग ताल का हिसाब में बहुत कह सकता कि वाह क्या बात है। नहीं पर वहाँ के एक जो रुना दवा नाम करके ना जो शांति के वे कहता था बोले कुमार गंधर्व जी फटा टाँट लेकर के आते थे और फटी कमली ओढ़ करके आते थे और वो बाहर बैठ जाते थे वो सुनते थे क्यों अगर कोई यूँ कहते कुमार जी भजन सुनने आए तो उनको कोई सुनने नहीं देता अरे तुम गाओ यहाँ बैठो वहाँ बैठो वहाँ बैठो नहीं और वो चाहते थे कि मैं शोध करूँ सुन के और उसका मैं अपने दिल ढालूँ तो वो अपने रात भर सुना कर जब कार्यक्रम खत्म होने लगा उसके पहले वो उठ के चले गए बहुत जगह उन्होंने ऐसे किया। अच्छा कहाँ? देवास में। इनफैक्ट ऑन माय फर्स्ट ट्रिप टू देवास ही डिसाइडेड टू टेक अस टू द धोनी संस्थान अ लिटिल वे फ्रॉम देवास एंड वी वेंट इन दिस तांगा आई थिंक घोड़ा गाड़ी एंड ही वुड हम इन बिटवीन एंड देन वी रीच दिस प्लेस द स्टिलनेस ऑलवेज इज समथिंग द स्टिलनेस द काम इन द प्लेस वॉज आई डोंट नो वॉट इट्स लाइक नाउ आई हैव नो आइडिया बट आई डू रिमेंबर दैट द साइलेंस एंड द स्ट्रेंज काम इन दैट एरिया वॉज क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर मी देन. And as I walked in, I saw on a shining. कोई तो
on folk music because they get a grant. Mm-hmm. Grant milne pe research. Ye alag research hota hai. Unhone for sake of research nahi kiya tha research. That was a genuine research. He was researching his roots. Isliye to unse seekhna mushkil hota tha. Kyunki wo aapko ready-made kuch nahi milta tha. Unke vichar the ki mera gharana chale, aise vichar hi galat hai, wo kehta tha. कि मेरे लीग ली लाइन बने ऐसे ये विचार संगीत के फाइन आर्ट्स के लिए घातक है ऐसे उन्होंने उनके स्टेटमेंट दिए. म्यूजिक एलिमेंट्स आगे ले जाएं उनकी कॉपी करके ना जाएं, नकल ना करें. विचार मतलब उनके मतलब जो राग विद्या जो उन्होंने दी है उसको आगे ले. आदमी जो चले जाता है तो वो दुख थोड़े दिन का होता है. जो ऐसे आदमी जो व्यक्ति जाते हैं जो विचार देते हैं आपको वो जाते नहीं है, वो रहते ही हैं. दिन में 3-4 बार तो याद आते ही. मैंने तो सिर्फ गाना नहीं सीखा उनसे, पूरे जीवन का गुरु हर तरीके से वो गुरु थे. बुरा तो जीने ए बुरा तो जीने बुरा तो जीने ज्ञान की जड़ी या दई ज्ञान की जड़ी या दई बुरा तो जीने बुरा तो जीने ज्ञान की जड़ी.
what Kabir did to spiritualism and worship, Kumar has done to Indian classical music. Because Kabir rejects karmakand rituals, whereas the gharanas in Indian classical music survived only on rituals, only on certain, never explained and never understood techniques. यानी कबीर में जो कहा गया ना कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, कुमार गंधर्व ने अपना घर फूका, वो संगीत की सारी शिक्षा जो उन्हें पारंपरिक ढंग से मिली थी उसको फूका। फूका मतलब कि ये मेरे रब रहने लायक नहीं है, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मुझे दूसरा घर चाहिए, और जिंदगी भर वो दूसरा घर अपने संगीत में बनाते रहे, जो पहला घर फूकने के बाद ही बन सकता है। नगर में काया नगर में घर एक बंगला घर एक बंगला 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 काया नगर में घर एक बंगला बिच गुप्त धरी पूरा तो जीने ज्ञान की जड़िया गई ज्ञान की जड़िया गई पाचा गुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया दई व्हाट इज दिस दई व्हाट इज दिस इज एट पीस विद हिमसेल्फ ही इज हीविंग ए साय ऑफ रिलीफ दैट फाइनली आई हैव मेट द राइट टीचर सो हु इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुमारजीज ओन लाइफ हु वाज कुमारजीज गुरु उद्धरेत आत्मनात्मानम कुमार वॉज इज ओन गुरु न आत्मानम अवसादयेत लिफ्ट युअर सेल्फ डोंट डिस्ट्रॉय युअर सेल्फ आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना यू आर युअर ओन फ्रेंड यू आर युअर ओन एनिमी मुरशेर ननो बीच नबी ननो बीच स्याह सफेद तिलो बीच तारा स्याह सफेद तिलो बीच तारा अविगत वलख रबी है मुर्शिद ननो बीच नबी है मुर्शिद ननो बीच नबी है आँखी मध्य पाखी चमक चमक आँखी मध्य पाखी चमक पाखी मध्य द्वारा पाखी मध्य द्वारा ते ही द्वार दूरबीन लगा कर ते ही द्वार दूरबीन लगा कर उतरे भव जल पारा उतर भव जल पारा मुर्शिद नैनो बीच न पी सहरण वास हमारा ताहु सरवंगी जावा
व कबीर सदा के संगी साहेब कबीर सदा के संगी सबद महलल आवे सबद महलल आवे मुर्शिद नैनो हमने जिनसे सीखा है या जिनसे हमने सुना है और वो अभी जिंदा हैं थम अबे थम ने तो श्रीनाथ की धुनी को खूब गाया और हमारा जोड़ीदार सब मरी गया अबे थमे रह गया खाली अकेला आप आई नहीं है नहीं पंचम महाराज ने भी सूरदास बाबा भी मरी गया सब गया ये भी बालक उम्र में था हाँ और हूँ भी ऐसे थोड़ो हाँ लगभग 25 साल हो गए हमें 25 से भी ज़्यादा हो गया 30 साल हो गए लगभग हाँ तो फिर ज़्यादा देर नहीं करा थम अपनो एकदम अच्छे लटके झटके के साथ में और जो जो ऐसा भजन जो मैंने भी नहीं सुनिया कभी ऐसा एक दो चार सुने दो कैसे सुने दो माशा अब तुम जानो तो हम है नहीं आपके साथ वो इससे सीखियो इसको मैं ले गया था इनके पास से हाँ सबसे पहले इनसे मैं ले गया अपने पास कार्डबोर्ड का रहा जब और कई साल तक मेरे पास रहा ये थोड़ा आगे आ जाओ बस नरा धन में नरा साल में हाँ नरा साल में ओ चंदा जाएगा वो सूरज जाएगा चंदा जाएगा सूरज जाएगा ये जाएगा पवन पानी मन तुम जाओगा हम जानी अब बारे में बता दे तो साहब लाओ हम ला देते हैं हूँ गाऊँ थमने हमारे से गाया भी खूब गाओ खूब गाया हर में तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है हर में नशे में हो रहा मालिक से मिलना है इस पाप कपट को छोड़ को चुन हमें
इस भव सागर को जीत हमें, मैदत में जाना है। अब मैं तो नशे में हूँ यार, मेरे गुरु से मिलना है। सिर पर ठोकर ऐसी, हाँ ये है ना, तभी तो बोलो 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 अन्नी मारते इस हद को छोड़ दे, हद में जाना है। बोलो अरे यार बेहद में जाना है, अरे हद को छोड़ बेहद में जाना है, अरे यार बेहद में जाना है। अरे साहिब कबीर बख्शीस कर दो, हाँ साहिब कबीर बख्शीस कर दो, याय अगम बानी गाई हो। ये तो भांग वाला भजन, हाँ गाओ तो। हाँ ये भांग का भजन की छाप है। सतगुरु ने भांग पिला, अखियों में लाल चाय। चलो फिर कहीं आज मेरे साथ है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ। अरे बात भरूँ अच्छी कोई बात नहीं, बांका नहीं, 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 बांका तो सब होएगा। नहीं बांको कौन हो मालूम, बांको कौन हो इना झाड़का को पर दे तो फल लगे नहीं तो नमी जावे, जिसके कारण फल नहीं रहे तो वो बांको कहीं होगा। सतगुरु ने भांग पिला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अखियों में लाल चाय, साहब ने भांग पिला, साहब ने भांग पिला, अखियों में लाल चाय हो, साहब ने भांग पिला। कुमार जी के जाने पर भी वो मंडली आई थी, उन्होंने वो गाया था हम परदेसी, तो वो तो क्या बहुत इमोशनल, वो मैंने तो ऐसे सुना नहीं कभी। वही उनके डेथ के बाद तो वहाँ मंडली आके क्रिमेशन के वहाँ पर गया था। जाने पे वो मंडली जो गाती है वहाँ पर भजनों की, वहाँ हम परदेसी उन्होंने गाया था मंजीरे के सपोर्ट में। अच्छा। क्रिमेशन ग्राउंड पे मैं था वहाँ, तो वो पता नहीं पूरे माहौल में डस्क का टाइम था, लाइट भी ऐसी, और वो भजन तो फिर आप पूछिए मतलब क्या, बहुत ही बिल्कुल रोंगटे खड़े हुए थे, बहुत अच्छा भी था, क्या बोले, दुख भी तो था उस टाइम। हम परदेसी पंछे बाबा मणिद लोग वचे तो वणिदा
सारा लोग चेता पल पल पर पछताई भाई संतो निद सराई। उन्होंने जो गाया था उन्होंने एक ऐसी लाइन ली थी ओ हम पर वो जो मंजीरे के साथ जो गाया था पर वो असर बहुत ज़्यादा हुआ वैसा नहीं हम गा सकते वो फील नहीं आएगा उनका तो प्योर भक्ति रहता है प्योर इसे वो जो गाते हैं मंडली वाले वो तो सिर्फ भक्ति रहते हैं ना आई विश अपनी भी भक्ति ऐसी हो जाए पर अभी तो गाना भी देखना होता है वो तो 100% लीन होता है वो अलग ढंग ऐसा होना चाहिए बाद में होगा तो अच्छा है अलक पुरस निर्माण है वा को लखे ना को वा को तो वाही लखे जो वाही घर का हो दूलीचंद जी आप तो कब से गा रहे हैं कबीर आखिरी जिंदगी की बात आखिरी जिंदगी बिल्कुल छोटा सा था आप ढोर चलाते थे इस जत के हो जत का गाते 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 ये धन हो गया अच्छा हो शब्द से मेरे की जानकारी हुई और शब्द को मैं मानता हूँ और मैं वेद हमारा वेद है हम वेदन में नहीं बात खत्म उस निर्मल को जानना है निर्लप जो निरालप उसको देखना है आप भी आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि हमको देखना है पर ये बातें नहीं मिले असंभव अलिप्त तो, उसको निर्लेप बोल रहे हैं वो बोलने में थोड़ा उनको तकलीफ हाँ अलिप्त निर्लेप कहीं किसी से लिप्त नहीं जो सबसे अलग जो भौतिक जगत आपको दिखाई दे रहा है वो भौतिक जगत की बात नहीं है ये आध्यात्म की बात जो है हम आपसे भी कहेंगे कि आप भले रिसर्च करने वाले हो या कुछ भी हो आप नहीं समझ पाएंगे आपका ज्ञान कहाँ तक है तो हम इतना जानते हैं कि चाहे वो आप अंग्रेजी पढ़ी लिखी तो ऐसे जेड तक 26 अक्षरों में भरा पड़ा है वो जो शब्द है जिसकी खोज है जिससे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है या इस सृष्टि की रचना से पहले जो कुछ था वो अनिर्वचनीय था जिसको शब्दों में बोला नहीं जाता तो अ से लेकर के ज्ञ तक के ज्ञान इन दोनों के बीच में क्या है आगे से अ पढ़ते हो और पीछे से ज्ञ हो गया तो दोनों के बीच में क्या है उस संधि को पहचानना उस संधि को यदि आपने पहचान ली तो आपको स्वरूप ज्ञान होगा मुझे आप उसको जानने के लिए कितने उत्सुक है कितने तत्व पे आप अपना क्या खो सकते हो तो वो दुआ बोल दीजिए वो साकी बोल दीजिए शीश उतारे भूई धरे बोलो ना उसको आना कबीर पंथ में खाला का घर नाही शीश काट भूई धरे जब बैठे घर माही अब आप समझ लीजिए हम आपसे कहें बताऊँ इसी शब्दों का आप किसी शब्दों को तो हम आपसे कहें कि आप सिर काट के घर रख दीजिए धरती पर तो आप उसको नहीं समझेंगे ये सब पढ़ाई के माध्यम से बोल रहे हैं जानकारी काहे की किताब से और कुछ नहीं है ये पढ़ सकते हैं बाकी अनुभूति नहीं इनके अंदर अनुभूति नहीं अध्यात्म कुछ अलग है नाद बिंद जो है ये बीज के बारे में एक ज बात बताई दूंगा हूँ मारे तम तो है जो तम मने कितना भी भटकी जाओ एक ज बात बताई दूंगा आज मैं यो पलटो नहीं खा जाता खुद नहीं पड़े हाँ भाई ज्ञान तो नरा हो गया इसको पलटाना पड़ेगा ये न्यू है इसको न्यू करना पड़ेगा एक ही ज्ञान है ये अब ये ज्ञान तो छोड़ दिया हमने न्यू चले दे दिया इनमें नहीं लगा अबे अब हमारे तो उकील लगे अब I'm not the one.
कहाँ रखेंगे तो अच्छा रहेगा? तो यहाँ रख सकता हूँ। बहुत एक तरह से नटखटपन है इनकी मुस्कुराहट में यहाँ। नहीं बिल्कुल बदमाशी जैसी। और वो उनकी बीमारी का भी समय था, वो कुछ साल गाना नहीं सुनना ज्यादा, तो तांकुर संग एक साउंड से जो जो सब निकलता है पूरा सप्तक कवर हो जाता है, उसमें सब श्रुतियां भी आ जाती है। अभी एक खर्ज देखो, ये जो इसमें हम कितने स्वर सुन सकते हैं, ये भी स्वर सुन सकते हैं। अभी ये जो सर, ये भी सुन सकते हैं। जब हमारा स्वर मैच हो जाता है उसमें, तो वो परफेक्शन है। नाथ संप्रदाय जो है वो पहले नाद संप्रदाय था, ये भी एक अलग हाँ अलग विचार है, और मुझे वो ठीक लगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो सुनता है गुरु ज्ञानी में क्या बताते हैं, पहले आए नाद बिंदु से पीछे पीछे जमाया पानी। सब जगत की उत्पत्ति नाद से मानते हैं। सब लोगों को जो फील होता है उनके निर्गुण गायन में, वो तो मुझे भी फील होता था, और कुछ हद तक मैं उसको मेरे संगीत में इतना कुछ ला सकता हूँ, इतना प्रयास मैं करता हूँ। युगन युगन हम योगी योगी युगन 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 स्वर है वो कुछ बताता है, मुझे पता चलता है, लेकिन वो मैं शब्दों में जिक्र नहीं कर सकता। युगन कई बार वो बोलते थे गाते समय, जो सुन रहा हूँ वही सुना रहा हूँ, मैं ये सब सुन रहा हूँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनता है
सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है ए सुनता है सुनता है सुनता है पहले आए 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 पहले बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी पहले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी सब घाट पूरन पूर रहा है आलक निर्वाणी हो जी निर्वाणी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही